रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आईडी स्वामी की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इसके बाद उन्होंने होटल ज्वेल्स में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नागरिक संशोधन कानून देश की जनता के हित में है और जो कुछ पार्टियों में लोग इसका विरोध कर रहे हैं वह निजी फायदे के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे किसी धर्म व समुदाय को फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही उसकी कोई अनदेखी होगी। सिर्फ जो नागरिक देश से बाहर हैं उनके लिए यह नागरिक संशोधन कानून लाया गया है। इस अवसर पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। थोड़ा स्वामी जी के आए थे आप, उसके बारे में थोड़ा। हाँ जी डॉक्टर साहब, आज करनाल में आईडी स्वामी जी हमारे बहुत ही सम्मानित, बहुत ही माननीय और केंद्रीय मंत्री उनका और उनकी धर्मपत्नी दोनों का स्वर्गवास हुआ और परमात्मा के चरणों में उनको स्थान मिले। उन्होंने समाज के लिए, इलाके के लिए हमेशा, पहले जब ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर थे तब भी और उसके बाद राजनीति में रहते हुए भी सभी तबकों के लिए पूरा सेवा भाव से काम किया। गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा उसके दिल में प्यार प्रेम था। आज जो है बहुत बड़ी भारी भीड़ के साथ लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी, हम भी उसमें पहुँचे और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। ये लोगों को आपने देखा, पूरे देश में कुछ चंद लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को भ्रमित किया। जो जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जो बिल कर लेकर के आए, उसकी जो मंशा है, उसकी मंशा किसी भी धर्म जाति को नुकसान पहुंचाने की नहीं है। और जो भारतीय नागरिक है, जो भारतीय नागरिक है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये बार बार प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बार बार बताया है और मैं भी चैनल के जरिए से कहना चाहता हूं कि लोग भ्रमित ना हों, इसमें किसी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है जो भारत का नागरिक है। और सिर्फ उन लोगों के लिए किया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जो लोग हिंदू धर्म के साथ साथ सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म के, इस तरह से कुछ लोग जो है वहां से जो है प्रताड़ित थे, वहां तंग किए गए थे। अगर आप उनकी सुनेंगे, अगर उनकी आप अपनी बीती सुनेंगे उनके मुंह से, तो मैं कहता हूं कोई भी भारतीय नागरिक उनकी बात सुन करके इमोशनल हो जाएगा, भावुक हो जाएगा। इस तरह के जुल्म सह करके वो देश में आए हैं और उनको पनाह चाहिए। और ये बहुत बड़ा कदम नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जो लिया है उनको नागरिकता देने का, तो हम इसका सब, हम साथी इसका स्वागत करते हैं। और मोदी जी इसी तरह से देश की सुरक्षा के लिए और देश को मजबूत करने के लिए हमेशा उन्होंने काम किया है और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही हैं, उनके बारे में कुछ मैंने बताया ना, विपक्षी और कुछ चंद लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि वो जिस तरह से भ्रमित कर रहे हैं कि भी देश में रहने वाले नागरिकों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उनसे पूछताछ होगी, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, जबकि मोदी जी ने, आपने देखा अपने रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में भी उन्होंने कहा कि किसी को भी, किसी भी भारतीय नागरिक को जो किसी भी धर्म और जाति का हो उसको डरने की जरूरत नहीं है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।